Hello friends, this is Kabir. So welcome to Street Side 247. So friends, in today's video we are going to discuss today's latest market news. So let's see. तो आप देख सकते हैं आज market किस हिसाब से close हुआ. Market closes down. Market आज बिल्कुल नीचे ही close हुआ है. Sensex की बात करूँ तो वो 51,309 पे, और वहीं पे Nifty की बात करूँ तो वो हमें 15,106 के आसपास क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है. अगर बात करूं आज के टॉप गेनर्स की तो आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाइटन, टीसीएस, ये हमें टॉप गेनर्स में आते हुए देखने को मिले. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी टॉप गेनर में शामिल होना मार्केट के रुख को थोड़ा सा जो और भी गिर सकता था उसको कम किया है. वही बात करूँ टॉप लूजर्स की तो आप देख सकते हैं आज भारतीय एयरटेल, इसके अलावा नेस्ले इंडिया, ONGC जैसे स्टॉक आज हमें गिरते हुए भी देखने को मिले थे. तो दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम पे मार्केट को और भी गिर सकती थी, पर मार्केट को भगा कौन रहे हैं, तो मार्केट को भगा रहे हैं FIIs और FPIs. तो आप देख सकते हैं FIIs और FPIs का आज का डाटा मैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए पेश कर रहा हूं. तो आप देख सकते हैं आज FIIs ने फिर से नेट बाइंग की, आप देख सकते हैं 1,780 करोड़ के आसपास की बाइंग है. वहीं DIIs की बात करूँ तो ये जमकर यहाँ पे माल बेच रहे हैं, आप देखा होगा मार्केट अप पे, इसलिए उन्होंने फिर से आज 2,075 के आसपास करोड़ के आसपास का माल बेचा है. तो दोस्तों ये इसलिए माल बेच रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. तो इसी की वजह से मार्केट इतना अच्छा यहाँ पे बाइंग होने के बावजूद भी गिर रहा है. तो ये जो लोग बहुत से मुझसे पूछ रहे थे क्या रीज़न है कि इतना FIIs माल खरीद रहे हैं बट फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है, तो दोस्तों DIIs यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिसके कारण मार्केट इतना ज़्यादा और भी गिर सकता था अगर ये FIIs और FPIIs भी अपना माल निकाल लें, बट वो नहीं निकाल रहे हैं. इसी वजह से मार्केट स्टेबल सा ही है, इतना ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. तो दोस्तों बात करता हूँ पहली बार रुचि सोया से रिलेटेड. तो आपको बताए रुचि सोया किसका फेवरेट है, ये है रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है. तो देख सकते हैं रुचि सोया के आज Q3 के रिजल्ट आए. वहीं बात करें तो Q3 का प्रॉफिट राइज हुआ है 50%, आप देख सकते हैं 50% के आसपास इनका जो प्रॉफिट है राइज हो चुका है Q3 में. तो दोस्तों रीज़न क्या था उसकी वजह से, आपने देखा होगा इनकी बहुत सी वैक्सीन, आपने सुना होगा कोरोनिल वैक्सीन, तो काफ़ी इन्होंने वैक्सीन निकाली थी, सॉरी कोरोनिल वैक्सीन नहीं थी, कोरोनिल जो इन्होंने कोरोना के लिए एक औषधि निकाली थी वो, उसके कारण भी इनका काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ था, जिसके कारण आप देख सकते हैं रफली इनको 227 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है. तो दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली. बट मैं यही कहना चाहता हूँ बहुत से रिटेल बाई वैन ऑलरेडी 1,000 रुपये से ऊपर लेवल में भी इसमें फंसे हुए हैं. तो यही कहना चाहता हूँ अभी आपको 2-3 क्वार्टर इसके रिजल्ट देखने चाहिए, उसके बाद ही कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए. अगर आपको लगता है आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर हेल्प ले सकते हैं. तो दोस्तों बात करना चाहता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी से. तो आप देख सकते हैं कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स उठाए हैं दैनिक भास्कर से. किराए के शेड से 150 करोड़ की हवेली, आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में 25 लाख रुपए की उधारी से अपना कारोबार शुरू किया था. जो इस कंपनी के जो मेन की होल्डर्स हैं उन्होंने, आज देख सकते हैं ये 18,250 करोड़ की कंपनी बन चुकी है. पहले ये स्मॉल कैप थी, अब ये स्मॉल कैप से मिड कैप भी बन चुकी है. मार्च से अब तक डिक्सन का शेयर 5 गुना बढ़ चुका है. तो वहीं पे बात करें इसके कुछ पॉइंट्स की, तो 2017 में डिक्सन का IPO 1760 पे आया था. अभी बात करें तो अभी मार्च के टाइम पे ये अराउंड 2-3,000 के आसपास था, हम कह सकते हैं 2900 के आसपास था. 3 सालों में इसका शेयर आप देख सकते हैं 8 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है. वहीं पे बात करूँ आज की क्लोजिंग की, तो आपने देखा होगा ये स्टॉक आज भी हमें 18,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है. बीच में स्टॉक ने आज 19,079 के आसपास का एज़ पर NSE हाई भी लगाया था. तो दोस्तों इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इनको आत्मनिर्भर भारत के लिए. इसके अलावा हमने देखा है कि ये कुछ हैंडसेट्स भी भारत में बनाने की, जो स्मार्टफोन्स हैं उनको कोशिशें कर रहे हैं, और भी कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भारत में आके हैंडसेट बनाइए और हम आपको सारा बैकएंड प्रोवाइड करेंगे. तो इसलिए कहना चाहता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को आने वाले टाइम में आपको जरूर फोकस में रखना चाहिए. अभी स्टॉक बहुत हाई है, मुझे ऐसा लगता है अभी ये अगर आप हाई लेवल पे इसको लेना चाहते हो तो एक सुसाइडल डिसीजन भी हो सकता है. अभी ये स्टॉक 1:5 में स्प्लिट भी होने बाद जा रहा है, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अगर आपको नीचे अगर 3-4 हज़ार के आसपास मिल जाता है तो थोड़ा सा आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके इसमें क्वांटिटी धीरे धीरे उठा सकते हैं. बट अभी के टाइम पे इतने हाई लेवल पर लेना मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक सुसाइडल डिसीजन हो सकता है. पेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो कंपनी आपको पता बहुत शानदार कंपनी है. ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत महंगा आप देख सकते हैं 32,000 के आसपास है, हालांकि MRF से महंगा नहीं है, जो लगभग आपको पता है कितना महंगा स्टॉक है जो MRF इंडस्ट्रीज़ का है. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट हैं Q3 के रिजल्ट
बहुत शानदार देखने को हमें मिल रहे हैं। तो जिसके कारण आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज हमें तेजी देखने को मिली, क्योंकि इन कंपनी का क्वार्टर थ्री का प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से बढ़ चुका है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज होती हैं, अगर बाई चांस इन फ्यूचर, अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है, पेज इंडस्ट्रीज भी स्टॉक स्प्लिट देता है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज वही कंपनीज है जो आपको, जो आपके पैसा को एक तो सेफ रहेगा, ऊपर से आपकी जो मनी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। कहीं आप, आपको पता है पेनी स्टॉक में फंस जाएंगे, पूरी उम्र उसी में फंसे रहेंगे कि यार कम से कम मेरा, मेरे प्राइस पे तो आ जाए तो मैं निकलूं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एसबीआई से रिलेटेड। तो एसबीआई फोरकास्ट 0.3% जीडीपी ग्रोथ इन अक्टूबर दिसंबर। तो उन्होंने अक्टूबर दिसंबर में बताया कि 0.3% जो है वो जीडीपी ग्रोथ हुई है। वहीं बात करें तो इन्होंने रिवाइज़ किया है फाइनेंशियल 21 को कंट्रैक्शन टू 7%। तो यही अभी देखना होगा, इस न्यूज़ के कारण भी मार्केट किस हिसाब से सेंटीमेंट को लेता है, क्योंकि इन्होंने जो कंट्रैक्शन है उसको इवन अराउंड 7% कर दिया है कि जीडीपी कंट्रैक्ट होकर 7% के आसपास रह जाएगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो देखना होगा एग्जैक्ट जीडीपी के नंबर आगे क्या रहेंगे और मार्केट किस हिसाब से इसके जो न्यूज़ है उसको लेती है, उसके सेंटीमेंट्स मार्केट पे कैसे रहते हैं। मुथूट फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो हमने देखा था मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट थे, मैं स्टार लगा के बताना चाहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इवन आपको पता है ये एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो ज्वेल लोन बांटता है मुथूट फाइनेंस, सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा अगर किसी ने ज्वेल लोन भी लिया होगा। तो आज स्टॉक में तेजी देखने को हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, आप देख सकते हैं स्टॉक आज का इंट्राडे हाई 1273 के आसपास लगा चुका है। अभी भी 1400 का जो इसका 52 वीक हाई है वहाँ से ये नीचे चल रहा है। कंपनी बहुत शानदार है, मैं खुद इस कंपनी को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और इवन खुद ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है। आयशर मोटर से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आयशर मोटर के रिजल्ट भी शानदार रहे हैं, प्रॉफिट इनका भी बढ़ चुका है अराउंड 7%, रेवेन्यू भी अप हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है। तो आप चाहें तो आयशर मोटर पर भी आने वाले दिनों में अपना फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हिंडेलको से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिंडेलको के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो हिंडेलको का क्वार्टर थ्री का प्रॉफिट भी बात करूँ तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ चुका है, आपको पता। बट हिंडेलको क्या है, मेटल सेक्टर की कंपनी है, मेटल सेक्टर में कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या रहता है, जब भी यूएस चाइना की बार छिड़ती है, ठीक है ना, जब भी यूएस चाइना के बीच में लड़ाई होती है तो कौन सबसे ज़्यादा सेक्टर है जो पिटता है, तो वो है मेटल सेक्टर। इसलिए आपको ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर हो सके तो आपको मेटल सेक्टर को अवॉइड ही करना चाहिए, एक मेटल और एक मीडिया। मीडिया में पीवीआर और आइनोक्स ही मुझे जो थोड़ा है वो पसंद सेक्टर है, बाकी आपका खुद का भी जो भी चॉइस है, आपका डिसीजन है, आपको जरूर उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। TCS से रिलेटेड बात करूँ दोस्तों, तो TCS आपको पता IT सेक्टर का किंग है। तो सो TCS इज गोइंग टू हायर 1500 टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स इन UK। तो आप देख सकते हैं TCS यहाँ पे 1500 टेक एम्प्लॉइज़ को हायर करने जा रहा है इन UK। तो यही कहना चाहता हूँ, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, सॉरी। तो आपको जरूर TCS के ऊपर भी फोकस करना चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि TCS को बिजनेसिस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। टाइटन से रिलेटेड बात करूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा जहाँ पे आपको सतर्क हो जाना चाहिए, आप देख सकते हैं टाइटन के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जहाँ पे थोड़ा सा फॉल हुआ है 11% टू ₹419 करोड़। हालांकि टाइटन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको पता है टाइटन भी ज्वेलरी से रिलेटेड बहुत डील करती है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिर भी अगर ऐसे रिजल्ट आए तो आपको 2-3 क्वार्टर जरूर ऐसे रिजल्ट के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, 2-3 क्वार्टर अगर लॉस भी दिखा देंगी, इवन थोड़ा सा मतलब कि प्रॉफिट में डिप भी दिखा देंगी तो कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही होता है, अगर इनका बिजनेस जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें अपने पैसे की अहमियत भी समझनी चाहिए। ITC से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, तो ITC के कल हैं क्वार्टर थ्री के नंबर, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड कुछ बातें हमें होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेटस कॉन टैक्सेस ऑन टोबैको एंड सिगरेट्स इन द यूनियन बजट। तो हमने देखा था यूनियन बजट में, इवन राज्यसभा में भी कोई भी ITC के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको पता बेसिकली टोबैको और सिगरेट से ही डील करता है, तो कोई भी इसमें टैक्स नहीं लगेगा, जिसके कारण ये स्टॉक हमें 52 वीक हाई पे के ऊपर जाता देखने को मिला था। और इवन जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने भी इसके जो टारगेट है वो भी रेज कर दिए हैं, और काफ़ी टाइम से बात करूं तो 4 से 5 साल हो चुके हैं, जब मैं कह सकता हूं 6 ईयर के राउंड हो चुके हैं जब से ये स्टॉक शांत पड़ा हुआ है। तो हो सकता है इसमें अच्छा हमें ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, तो TT की प्रेस्टीज, तो आपको पता प्रेस्टीज के कुकर भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जहाँ पे भी हमें जंप आता हुआ अच्छा देखने को मिला, तो चाहें तो आप TT की प्रेस्टीज कंपनी में भी अपना फोकस रख सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों स्पाइस जेट से। तो स्पाइस जेट ने यहाँ पे क्वार्टर थ्री में नेट लॉस दिखाया, क्योंकि एविएशन सेक्टर आपको पता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोक लगा हुआ है था उस टाइम पे, इवन काफ़ी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं स्पाइस जेट से रिलेटेड, जिसके कारण हम बात करें लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री में इनका जो प्रॉफिट था वो था 77 करोड़, जो कि अब डिप होकर 67 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से मुझे ऐसा लगता है आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या है ये स्टॉक, इवन ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर रिजल्ट खराब है फिर भी स्टॉक को भगा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स तभी आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं अगर आप इनके अच्छे से नंबर भी चेक करते रहते हो। तो दोस्तों कभी कभी ऑपरेटर आपको पता है मार्केट में न्यूज़ भी चला देते हैं, हमने देखा था स्पाइस जेट और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स रिलेटेड न्यूज़ चलाई थी कि ये दोनों मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन का स्टोरेज करेंगी, हालांकि हमने देखा था स्नोमैन लॉजिस्टिक में अडानी लॉजिस्टिक्स ने अपना बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग भी ऑफ सेल किया, आपने देखा होगा ऑफलोड किया है। तो कभी कभी ऐसी न्यूज़ भी मार्केट में चलती है, तो आपको उन न्यूज़ से भी सतर्क रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया 4G स्पीड फास्टेस्ट एमंग टेलकोस इन अक्टूबर दिसंबर से उगला। तो वोडाफोन आइडिया की जो 4G स्पीड है वो फास्टेस्ट है सभी ऑपरेटर से, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं यही कहने तो स्टार लगा के बताना चाहता हूँ, वोडाफोन आइडियाज 4G वायरलेस सर्विस इंक्लूडिंग डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड वॉज द फास्टेस्ट अमंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द अक्टूबर दिसंबर एज पर उकला ए वेब सर्विस प्रोवाइडर दैट टेस्ट ग्लोबल जायंट इंटरनेट स्पीड। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छी जगह अपनी सुर्खियों में बना रहा है, बट फिर भी आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर थ्री के नंबर किस हिसाब से रहते हैं उसके ऊपर फोकस करना है अपने को, और क्या करना है ARPU के ऊपर भी जरूर फोकस करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।